नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं पाकिस्तान से आए एक वीडियो से जो बेहद डराने वाला है। पाकिस्तान में एक हिंदू लड़के की मॉब लिंचिंग की कोशिश की गई। ये पाकिस्तान के हैदराबाद की ये पूरी घटना है, जहां एक हिंदू लड़के को झूठे ईश निंदा के आरोप में उसके घर पर हमला कर दिया गया। आप जरा इस घर की तस्वीर देखिए, भीतर जो लोग होंगे कितने दहशत में होंगे, उसके घर पर किस तरीके से हमला किया गया। भीड़ ने सफाई कर्मचारी अशोक कुमार पर आरोप लगाया कि उसने उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया। इसके बाद कट्टरपंथियों की गुस्साई भीड़ ने उस हिंदू शख्स के घर धावा बोल दिया। हालांकि पुलिस और रेंजर्स ने लाठीचार्ज करके भीड़ को तितर बितर किया और हिंदू युवक को मॉब लिंचिंग से बचा लिया। लेकिन कट्टरपंथियों के दबाव में आकर पुलिस ने ईश निंदा के झूठे आरोप में अशोक कुमार पर FIR दर्ज करके उसे हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि मॉब लिंचिंग की कोशिश करने वाले ये सभी लोग पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठन तहरीके लबैक के हैं। ईश निंदा का आरोप लगाकर भीड़ ने कैसे हिंदू सफाई कर्मचारी अशोक कुमार के घर पर धावा बोला, इन तस्वीरों में आप देखिए। कई लोग घर के बाहर लगे हुए पाइप के सहारे बालकनी पर चढ़ गए। ये कट्टरपंथी बालकनी के रास्ते घर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इनके सिर पर मानो खून सवार था, उसकी जान ले लेना चाहते थे। पाकिस्तान से हर हिंदू को डरा देने वाली यह घटना सामने आई है। एक शख्स की मॉब लिंचिंग की कोशिश उसके घर में की गई। इंसान ये सोचता है सबसे सुरक्षित जगह शायद उसके लिए उसका अपना घर हो, लेकिन उसके घर में दाखिल होने की पाइप के सहारे कैसे भरसक प्रयास किया गया, ये तस्वीरें आप देखिए। कट्टरपंथी खून के प्यासे इन लोगों की भीड़ को देखिए, एक एक करके कैसे ये बालकनी में एक पाइप के सहारे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। भीतर दाखिल होने का प्रयास किया जा रहा है और नीचे जो भीड़ खड़ी हुई है वो भी उन्हें उकसा रही है, ये नहीं कि रोकने की कोशिश करें। हंगामे की एक और तस्वीर आप देखिए। हिंदू सफाई कर्मचारी अशोक के खिलाफ गुस्साई भीड़ उग्र पर उग्र हो रही थी और